जेपीएससी का मामला हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरू से ही देखा जा रहा है कि पहली से लेकर दसवीं तक जितने भी परीक्षाएं हों, कहीं ना कहीं विवादों में अवश्य फंसी है। अब यहां छात्र बेचारा क्या करे? एक झारखंड को तो बने 20 साल हो गए, अब तक दसवीं जेपीएससी की परीक्षा हुई है और उसमें भी हम दो तीन पॉइंट लेकर आपके सामने आए। पहला ये कि इतने साल होने के बावजूद एक भी फेयर एग्जाम क्यों नहीं हुआ? हर बार मामला फंसता है और किसी बड़े लोगों के व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, किसी के मामा, किसी के चाचा, इस प्रकार से संबंधियों को प्रिविलेज दी जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं रहा, चाहे वो पीटी का हो, मेंस का हो, बच्चे 4 साल से, पिछली बार अगर छठवीं जेपीएससी है वो भी मामला अभी तक न्यायालय में चल रहा है। देखिए, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इस पे उंगली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन छात्र मजबूर है। हम शिक्षक क्यों पढ़ाएं बच्चों? बेचारे वे बच्चे जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं और उनका जो रिजल्ट होता है, एक ही कमरे से सारे विद्वान पास हो जाते हैं। मैं उनको चेताना जरूरी समझता हूं, जो बच्चे पास किए हैं वो भी इन युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि उनका लास्ट 252 सीट में उनका है या नहीं, क्योंकि जो सुविधा वाले लोग हैं, जो एक ही कमरे में बैठते हैं, लगातार अंकों से, लगातार रोल नंबर से पास होते हैं, क्या उनको क्वेश्चन आउट कर दिया जा रहा है? जेपीएससी के बहुत सारे अधिकारी बोल रहे हैं कि जांच का प्रश्न है, रद्द नहीं होगी। हम बार बार रद्द करने के पक्ष में हम खुद ही नहीं है, बच्चों के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ता है इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक बच्चा, करीब करीब कोई छात्र कम से कम 4 महीने 5 महीने से प्रिपेयर्ड होता है कि इस तारीख को एग्जाम होता है, और जब एग्जाम होता है तो पता चलता है कि एग्जाम में धांधली हुई। इतना बड़ा घोटाला क्यों? कोई पूछने वाला है? शुरू से ही यह रहा है। यदि आप ध्यान से देखें कि पहली, दूसरी, तीसरी, यहां तक कि हम आपको सबसे बड़ी बात यह करें कि 7वीं से 10वीं मात्र 252 सीट, किस आधार पे? कोई पैरामीटर आपने अपनाया? क्यों इतना कम वैकेंसी? और है तो आप अलग अलग कीजिए कि 7 से आप केवल लीपापोती कर रहे हैं। फिर एग्जाम में 3-3 बार रिवाइज रिजल्ट, क्या मजाक बना रखा है? एकदम लगता ही नहीं कि आप कमीशन का एग्जाम ले रहे हैं। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न गलती नहीं होते, आप इतने कमीशन के एग्जाम में प्रश्न गलत दे रहे हैं, उत्तर बदल रहे हैं, सही उत्तर को गलत बता दे रहे हैं, कहां से बच्चे तैयारी करें? 2016 से लेकर 2021 के बीच 6 साल के अंतराल में आपने एक साथ निकाल दिया 7वीं से 10वीं, उम्र का कोई काउंटिंग नहीं। बीच के 2016 से जो 21 के उम्र वाले हैं वो कहां जाएंगे बच्चे? जिनका 35 वर्ष पूरा हो गया वो तो अधर में लटक जाएंगे। तो ये आप सुधारिए, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए कि आप इस लेवल में नहीं है। मैं इन छात्रों से कहूंगा कि मेरी ये बात को आप लोग आयोग तक पहुंचाएं, आयोग समझे। आप धारणा देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, और होता क्या है, आयोग मनमानी कर रहा है। आप अक्षम में हैं तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के हाथ में दे दें, निष्पक्ष होगी। झारखंड के बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, उन्हें झारखंड की किसी भी वैकेंसी पर भरोसा नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां के बच्चे चाहते हैं तैयारी करें। किस चीज की तैयारी करेंगे? आप कहते हैं इतनी वैकेंसी, शिक्षक का वैकेंसी लटकी हुई है, जेएसएससी का वैकेंसी लटकी हुई है, बस रिश्तेदारों के लिए है तो परीक्षा लेना छोड़ दीजिए, उन्हीं के डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। किस बात की बच्चे तैयारी करें? बच्चे 6-6 साल आंख फोड़ के पढ़ रहे हैं और रिजल्ट ये होता है। मैं मानता हूं कि इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, कैसे कह दो, एक ही सीरियल, एक सेंटर से 6 से 7 बच्चे पास होते हैं, एक कमरे से बहुत होगा तो 10 पास कर गए, लगातार सारे एक्सपर्ट वहीं पहुंच गए।
दूसरे जगह है कि नहीं। कटअप की बात होती है, मैं दावे के साथ करता हूं कि जो बच्चे पास हुए हैं उनको उसी लेवल का प्रश्न मैं दे दूं तो वो उतना नहीं रह पाएंगे। ये कोई सबको दिखता है, आप इस पर ध्यान दें। मैं फिर दोबारा कर रहा हूं कि वे बच्चे जो पास किए हैं वह भी संतोष न रखें, क्योंकि वे पास कर गए हैं तो उनका लिस्ट में नाम रहेगा, पीटी की तैयारी कर ले, मेंस दे दे, इंटरव्यू दे दे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये लोग घुसपैठिए जो घुसे हैं उन्हीं का लिस्ट में नाम होगा। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच करने वाले भी वैसे ही अगर हो गए तो फिर कहीं का मामला नहीं, दबा का दबा रह जाएगा। इसलिए इसे रद्द करनी चाहिए या उच्च आयोग से जांच करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि जेपीएससी को नकारा घोषित करके यूपीएससी के हाथ में यह परीक्षा दे देनी चाहिए। आप लोग मेरी इस बात को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।